पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र मोदी की जितनी भी नहीं है कि वो तस्वीर लगा देते, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते, हमारे शायकीन खड़े होकर वहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा। पूरे 12 बजे भी उन्होंने इंतजार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन झंडा कहीं भी नहीं लगा। क्या वजूहत है? ये हमारी सियासी क़यादत की कमजोरी है सर। दुबई के अंदर उनकी तस्वीर लगी, उनका वार्म वेलकम किया गया। मैं कहना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ, क्या पूरे पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल क्या नरेंद्र मोदी है जिसकी तस्वीर बुर्ज खलीफा में लग सकती है? पूरे पाकिस्तान की तस्वीर बुर्ज खलीफा पर नहीं लग सकती, क्या वजूहत है? नरेंद्र मोदी की तस्वीर इसलिए लगी गई है क्योंकि वो पूरी सपोर्ट उसको मिल रही है इंडिया से भी और दुबई से भी। हमारे पाकिस्तानी जो है, हमारी हुक्मरान देख लो, हमारी इज्जत ज्यादा या फिर बाहर के मुल्कों में दूसरे मुल्कों की ज्यादा इज्जत है? दुबई बड़ा मुल्क है। अच्छा, ये आप रास्ते में थूक रहे हैं, ज्यादा आगे निकले हैं ग्रोथ के लिहाज से या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया? पड़ोसी मुल्क हमारा इसलिए आगे चला गया है क्योंकि उसने हमसे फ़ायदा उठाना शुरू किया है। हमारे पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं जो वहाँ जाके हर चीज़ का बताते हैं। अच्छा। हर चीज़ का जो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो चंद्रयान पर चला गया है, चांद पर भी चला गया, वो पाकिस्तानियों ने लीक कर दिया, यहाँ से सारी खुफिया बातें बताई, यही चीज़ होती है। क्या बात है, पाकिस्तान में आपको पता है पैसा तो सारा काम करा लो। नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग सकती है, हमारे पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं लग सकता? झंडा तो हमने लगाना है जी। आईटी में वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, वो उन्होंने पाकिस्तान के सारे सीक्रेट ले लिए। यही चीज हो रही है, पाकिस्तान के सीक्रेट कहाँ कहाँ नहीं जा रहे। तो दुनिया के पांचवी बड़ी मैशत है, पाकिस्तान के सीक्रेट ले लिए उन्होंने। वैसे ही हुआ, उन्होंने सारे सीक्रेट पाकिस्तानी ने खुद दिए हैं, बल्कि जो आवाम जो पाकिस्तानी है सारे दे दू के चले जाते। हमारे पास इतने बड़े सीक्रेट होते तो क्या पर बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान का परचम लहराया जाता था? गाइस इस दफा पाकिस्तान के परचम को लहराया नहीं गया। गाइस पाकिस्तान के शायकीन जो पाकिस्तानी आवाम थी वो बुर्ज खलीफा के आगे खड़े होकर रात को 12 बजे इंतजार करने लगी कि अभी खलीफा में पाकिस्तान का परचम आएगा 12 बजे। लेकिन 12 बज के 1 मिनट तक भी पाकिस्तानी पब्लिक इंतजार करती रही, लेकिन बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया गया। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा। गाइस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब दुबई जाते हैं तो बुर्ज खलीफा पर सेलिब्रेशन की जाती है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई जाती है और नरेंद्र मोदी को वेलकम किया जाता, वेलकम इंडिया किया जाता। गाइस एक नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग सकती, क्या पूरे पाकिस्तान की तस्वीर नहीं लग सकती थी? गाइस बुर्ज खलीफा के अंदर हर साल पाकिस्तान की झंडा लगता है 14 अगस्त के वाले दिन। सर इस दफा परचम नहीं लगाया गया, वहाँ पर पाकिस्तानी सारे शायकीन जितने भी थे मायूस हो गए। बुर्ज अगर बात करें, दुबई एक मुस्लिम कंट्री, हम कहते हैं कि हमारा ब्रदर मुल्क है, तो हम उन्होंने भी तो हमारा बैकआउट शुरू कर दिया, क्या वजूहत है? वो ये वजूहत हुई है क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी जो है वो आपस में नहीं बन रहे सही, इनकी आपस में नहीं बनती। उन्होंने इस साल नहीं परचम हमारा लाया, इसी वजह से नहीं किया, क्योंकि वहाँ का जो अरबी मुल्क है, जो दुबई वाले हैं, वो ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तानी इनकी आपस में इनके अपने नहीं सही बन रहे, तो हम इनका परचम क्यों लाएं? नहीं तो हर साल हमारा वहाँ परचम दुबई में होता था। सर मैं बात करूँ नरेंद्र मोदी की, इंडिया के जो हुक्मरान है इस टाइम, जो PM है सर, वो गए थे लास्ट टाइम दुबई। सर दुबई के अंदर उनकी तस्वीर लगी, उनका वार्म वेलकम किया गया। मैं कहना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ, क्या पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल क्या नरेंद्र मोदी है जिसकी तस्वीर बुर्ज खलीफा में लग सकती है? पूरे पाकिस्तान की तस्वीर बुर्ज खलीफा पर नहीं लग सकती, क्या वजूहत है? नरेंद्र मोदी की तस्वीर इसलिए लगी गई है क्योंकि वो पूरी सपोर्ट उसको मिल रही है इंडिया से भी और दुबई से भी। हमारे पाकिस्तानी जो है, हमारी हुक्मरान देख लो आपस में क्या हो रहा है, लड़ी जा रहे हैं, कभी कोई हुकूमत है कभी कोई हुकूमत है, बचाए आवाम गरीब पिस रही है, इसी वजह से उन्होंने वहाँ जाकर फ़ायदा उठा लिया अपना, उनकी तस्वीरें लग गई हैं। नहीं तो पाकिस्तान का परचम हर जगह होता था, अब वहाँ का जो दुबई में जो पाकिस्तानी है वो भी इस साल परेशान हुए हैं इसी वजह से कि उनकी तस्वीर क्यों लगी है और हम लोगों की तस्वीर क्यों पाकिस्तान में किसी झंडा क्यों नहीं लहराया गया। ये चीज़ें हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर हम बात करें 76 सालों में कौन ज़्यादा आगे निकला है, हम ज़्यादा आगे निकले हैं ग्रोथ के लिहाज से या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया? पड़ोसी मुल्क हमारा इसलिए आगे चला गया है क्योंकि उसने हमसे फ़ायदा उठाना शुरू किया है। हमारे पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं जो वहाँ जाके हर चीज़ का बताते हैं। अच्छा। हर चीज़ का जो क्या बताते हैं? कोई भी रिपोर्ट होती है, पाकिस्तानी मुल्क 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, वो क्या होता है, उनको पैसे तो सारे काम करवा लो, अगर पाकिस्तानी एक मुट्ठी में बात सारे इकट्ठे हो जाएं तो जो इंडिया वाले हैं कुछ दूसरी हुकूमत है हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो चंद्रयान पर चला गया, चांद पर भी चला गया, वो पाकिस्तानियों ने लीक कर दिया, यहाँ से सारी खुफिया बातें बताई, यही चीज़ होती है। क्या बात है, पाकिस्तान में आपको पता है पैसा तो सारा काम करा लो, मुसलमान जब एक बार अपना मुसलमान बन जाए ना पक्का, तो कोई भी नहीं हमारा कुछ कर सकता। सर वो चांद पर भी चले गए, वो इस वजह से चले गए कि पाकिस्तान ने कुछ सीक्रेट लीक कर दिया अपने चांद पर जाने वाला, यही वजह है ना कि वो हर चीज़ अपनी लीक कर देते हैं।
वो दूसरे बता देते हैं लोगों को कि ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, अगले इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। सिंपल मिसाल मैं देता हूँ कि अब एक दोस्त होते हैं आपस में, दोस्तों को आपस में एक दूसरे की बात का पता होता है, ठीक है, ये मेरी बात चलनी चाहिए वीडियो कैमरे में, दोस्तों को एक दूसरे का रास का पता होता है। जब क्या होता है, आपस में जब दोनों फटते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की बातें लीक कर देते हैं, क्योंकि दोनों दोस्त आपस में इतने गहरे होते हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है। जब वो आपस में फट जाते हैं, हर चीज़ लीक हो जाती है और आवाम इसका फ़ायदा उठाती है। यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। सारे सिगरेट जो हमारे पास थे वो चंद्रयान के मिशन के सारे इंडिया ने ले लिए, वो वैसे ही हुआ, यही चीज़ें हुई है। आईटी में वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, वो उन्होंने पाकिस्तान के सारे सिगरेट ले लिए, यही चीज़ हो रही है। पाकिस्तान के सिगरेट कहाँ कहाँ नहीं जा रहे, जो दुनिया के पांचवी बड़ी मैशत है, पाकिस्तान के सिगरेट ले लिए उन्होंने, वैसे ही हुआ है। उन्होंने सारे सिगरेट पाकिस्तान ने खुद दिए हैं, बल्कि जो आवाम जो पाकिस्तानी है सारे दे दू के चले जाते। हमारे पास इतने बड़े सिगरेट होते तो क्या हम पांचवी बड़ी मैशत ना होते? होते क्यों ना होते, होते हम, लेकिन हमारे सिगरेट आपने कहा कि लीक हो गए, लीक हुए हैं ना, लीक हुए हैं तो ये हुकूमत का हाल हो गया, ना होते तो हमारी हुकूमत सही होती, सब कुछ सही होता, हुक्मरान सही होते, इतनी महंगाई ना चलती हमारी यहाँ पे। वो क्या हो गया, इतनी महंगाई करने के बावजूद भी सब कुछ देख ले आवाम का क्या हाल है। लेकिन पाकिस्तानी के जज्बा देखें, ये जगह जगह 14 अगस्त आज निकले हुए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोबाइल इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं? जी, वो तो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। जी जी, जाम पे। क्या ख्याल है दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के बारे में पता आपको? जी, बुर्ज खलीफा के अंदर जब भी किसी भी मुल्क का इंडिपेंडेंस डे होता है तो वहाँ पर परचम लगाया जाता है, तो पाकिस्तान का परचम नहीं लगाया गया, क्या वजूहत है? ये असल में मुल्की हालात इस किस्म के हैं ना, थोड़ी मतलब माशी तौर पर हालात ज़रा स्टेबल नहीं है, तो शायद हो सकता है नई कोई हुकूमत आए तो वो इस बारे में ज़रूर सोचे, और ये मुल्की जो परचम है इसको बुलंद रखना चाहिए। ये भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के जी नरेंद्र मोदी जी, वो गए थे दुबई के अंदर सर, उनकी तस्वीर लगाकर बड़ा वार्म वेलकम किया गया, क्या पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र मोदी की जितनी भी नहीं है कि वो तस्वीर लगा देते, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते, हमारे शायकीन खड़े होकर वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा, पूरे 12 बजे भी उन्होंने इंतज़ार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन झंडा कहीं भी नहीं लगा, क्या वजूहत है? ये हमारी सियासी क़यादत की कमज़ोरी है, हमारी सियासी क़यादत ऐसी नहीं है, अगर उनको वो चाहते ना तो इसको मतलब हमें एक वैल्यू मिल जाती पाकिस्तान में जो है ना, हर एक पाकिस्तानी को, तो बस ये उनके ही एक कसूर ज़्यादा ही है, क्योंकि आवाम तो आपको पता है वो मुल्की माशी हालात में उनका ज़्यादा ही अमल दखल है। तो क्या समझते हैं आप, यही हालात रहे तो क्या हमारी रिस्पेक्ट होगी बाहर के मुल्क के अंदर? नहीं है, फिर ऐसे तो रिस्पेक्ट नहीं होती ना, रिस्पेक्ट करवाएंगे तो होगी ना। आपको क्या लगता है हमारी ज़्यादा इज्जत है बाहर के मुल्कों में या इंडिया की ज़्यादा इज्जत है? ये बात इज्जत की नहीं है, इज्जत करवानी पड़ेगी हमें, नहीं करवाएंगे तो फिर तो जाहरी बात है उनकी इज्जत होगी। क्या मुकाबला कर सकते हैं हम इन सिचुएशन के अंदर भारत का, इसी तरह रहा हमारा हाल तो? लेकिन जी ये जिंदा कौम है, ये कर सकती है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा जोश वलवल होना चाहिए और अच्छे लीडर की कमी है। जिंदा कौम किधर है सर, अगर हम जिंदा होते तो आज हम इन हालातों से बाहर नहीं निकले होते कि जो के हालात यहाँ पर आटे के लिए जंगे चल रही हैं, यहाँ पर जो मुल्क के इतने बुरे हालात हैं, अगर जिंदा होते तो आपको नहीं लगता कि आज हम जाग रहे होते, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते? बस यही तो थोड़ी सी कमजोरियाँ हैं ना इनमें, ये कमजोरियाँ दूर हो जाएं तो फिर तो मसले मसाइल हल हो जाए। भारत आज दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत है। जी, तीसरी भी बनने जा रहा है, जापान को भी बीट करने जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें। जी, ऐसा ही है। हम पीछे क्यों? हम ये है कि हम दुआएं कर रहे हैं, अमल नहीं कर रहे। दुआओं के साथ अमल की भी जरूरत है ना, फिर दुआएं करने से तो आगे नहीं होंगे ना। क्या भारत के साथ रिलेशन बेहतर कर लें? करने चाहिए, उन पे जिस हद तक जाना चाहिए वहाँ तक करना चाहिए और सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अगर बाज़ाहिर देखा जाए तो वहाँ की आवाम जो है वो हमारी आवाम की जो एक कोई वो दुश्मनी नहीं है आपस में, ये ऊपर के मामले में ऐसा कुछ है, नीचे के मामले आवाम तो एक दूसरे के साथ है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। नाम आपका? मोहम्मद कासम। क्या करते हैं? कारोबार। जबरदस्त, क्या हालात है कारोबार के? बस सो। आज तो आज़ादी के दिन है, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हम आज़ादी में इतने मशगूल हो चुके हैं, हमें आज़ाद हुए आज 76 साल हो गए हैं, 76 सालों में हमने क्या पाया क्या खोया, इसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बस करप्शन जोरों शोरों देगी, करप्शन जोरों शोरों ते है, और किसी ने कोई सोचा नहीं, तो ना ही कोई
तो बेहतर कदम चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो हमारे साथ आज़ाद हुए थे मुल्क, चाइना देख लें, चाइना हमसे बाद हुआ था, इंडिया देख लें, हमसे बाद में आज़ाद हुआ था। आज मैं आपको आज की एक बहुत बड़ी न्यूज़ देता चाहूँ, बुर्ज खलीफा के अंदर पाकिस्तान के परचम नहीं लगाया गया, वरना हर साल लगाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? आज तो उन्होंने भी मना कर दिया, हम तो कहते हैं कि भाई वो तो हमारे भाई हैं, क्या बात बनी? बस अपनी अपनी सोच है उन्होंने, क्या सोच है? वो भी सोच उन्होंने अपनी है, क्योंकि साढ़े करदार तो मशकूक ने हो। और आपकी तरफ आऊँगा मैं, आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी होगी कि हमारे पड़ोसी मुल्क से, जो हमारे पड़ोसी मुल्क के PM है नरेंद्र मोदी साहब, वो दुबई गए थे, तो दुबई नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग सकती है, हमारे पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं लग सकता? झंडा तो हमने लगाना है जी, ये हमें कोशिश और मेहनत करनी है कि हमने झंडा लगाना है। आज़ादी नेमत है, रहमत है, अल्लाह का फजल है, उसे मनाना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई ऐसी को वजह नहीं है कि कहीं पे को हमारा झंडा नहीं हो, और ना इस बात पे परेशान होना चाहिए पूरी दुनिया में झंडा ना होना, ऐसी कोई बात नहीं, झंडा है जगह जगह पे झंडा है, लेकिन ये कि हमें अपने अपना अपना काम अपने अपने दायरे में रह के अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। क्या कर रहे हैं जिम्मेदारी हम पूरी? नहीं, जिस हद तक करना चाहिए उस हद तक नहीं, हमारी जो मंजिल थी हम उस मंजिल की तरफ फिलहाल जितना तेज़ी से चलना चाहिए था उतना तेज़ी से नहीं चल पा रहे। क्या हमें आज़ादी के साथ साथ ही क्या हमें उन मामलों के ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए कि जिनकी वजह से आज हमारे पड़ोसी चाइना देख लें दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है, इंडिया और चाइना के दरमियान रेस लगी हुई है कि कौन सुपर पावर बनेगा, और हमारे मुल्क के अंदर ये रेस लगी हुई है कल की रोटी कल का आटा हमें कहाँ से मिलेगा हमारी भूखी आवाम को। सर ये हालात कहाँ तक कैसे हमारे पहुँचे और इसका जिम्मेदार कौन है? अब अगर चाइना की बात करें तो चाइना आज़ाद नहीं हुआ, चाइना तो पहले एक मुल्क था। इसी तरह अगर आप हिंदुस्तान की बात करें वो तो हिंदुस्तान से इंडिया बन गया, भारत बन गया, इंडिया बन गया, उसने आज़ादी तो नहीं ली। हम नए मुल्क हैं, नए मुल्क हैं, हमें मेहनत करना पड़ेगी उस स्टेज तक, उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगी, मायूस हरगिज नहीं होना चाहिए, ऐसी कतन कोई बात नहीं। पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरती से चल रहे हैं, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब आलम इस्लाम में पाकिस्तान का एक मकाम होगा, लेकिन उसके लिए हमें मैं फिर वही कहूँगा कि सारों को मिलजुल के मेहनत करना पड़ेगी। सर 76 साल हो गए हैं, आप देखेंगे 90s के टाइम में इंडिया के भी यही हालात है, 1890s में उनके इतने भी बुरे हालात नहीं थे जितने आज हमारे हो गए हैं। सर आप देख रहे हैं कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व, आज इंडिया के फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स, इंडिया सर इकोनॉमिकल लिहाज से अगर मैं बात करूं तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 3री वो बनने जा रहा है, जापान को भी बीट कर देगा आने वाले टाइम्स के अंदर। सर हमारा मुकाबला इंडिया के साथ है या फिर हम अभी मुकाबला अफगानिस्तान के साथ करें? मुकाबला हमारा किसी के साथ भी नहीं, हमने तो अपने आप को पाँव पे खड़ा करना है, पहले तो अपने आप को पाँव पे खड़ा करें, उसके बाद फिर देखेंगे कि मुकाबला किस से। बाकी रहा कि पाकिस्तान को 76 साल हो गए, तो किसी भी मुल्क को आज़ाद होने में 76 साल को बहुत बड़ा अरसा नहीं है, मुल्क की तारीख में 76 साल किसी एक आदमी के लिए तो बहुत बड़ा उसकी उम्र हो सकती है, लेकिन किसी मुल्क के लिए 76 साल कोई उम्र नहीं है। अब बेफिक्र नहीं हो, दिलगीर नहीं हो, बल्कि हौसला और हिम्मत रखें, अभी पाकिस्तान बच्चा है, इंशाल्लाह जवान होगा, और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मायूस हों, मायूसी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। सर आपने जो बातें की मैं ऐसे भी इतफाक़ करता हूँ, लेकिन मायूसी के साथ साथ यहाँ पर हमने ये भी तो देखना कि भाई हम अपने IT सेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने स्पेस एजेंसीज के लिए क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पर बात करें तो हम अपने ग्रोथ लेवल के लिए नीचे तबके के लिए क्या कर रहे हैं। सर इन सारी चीज़ों के ऊपर जब आप नज़र डालते हैं तो हर तरफ आपको करप्शन नज़र आती है, तो सर ये करप्शन से जब हम तक जान नहीं छुड़वाएंगे, आप देखेंगे, आपने कहा कि उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। सर हमने गिरवी रखवा दिया अपने एयरपोर्ट्स, हमने गिरवी रखवा दिया बंदरगाहें, सर इतना सब कुछ हो गया, तो यहाँ पर हम कर्जा लेने के अवस में जब अगले मुल्क को कर्जा वापस करना भी है तो सर वो कर्जा जब वापस नहीं कर पाएंगे तो हमने एक हिस्सा तो हमने पहले ही 71 में खो दिया था, तो आने वाले टाइम के अंदर थोड़ा सा हमें चुकन्ना होने की ज़रूरत है या नहीं अपने हालात को देखते हुए? ये बड़ा दुख की बात है कि हमने अपना एक हिस्सा खो दिया, इंतहाई दुख वाली बात है, लेकिन दूसरे हवाले से जब हम सोचते हैं कि मुकाबला या पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से, तो मैं फिर वही कहूँगा कि इंशाल्लाह ऐसी कोई मायूसी वाली बात नहीं है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चल रहे हैं, जाहिर है रुकावटें हैं, उन रुकावटों का हल हमें मिलजुल कर सोचना चाहिए, हमारी सियासी क्यादत